हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक पिंडर चैनल में। एस्केलेटर आसान भाषा में कहे तो ऊपर नीचे ऑटोमेटिक जाने वाली सीढ़ियाँ। हालांकि ये एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने के लिए बहुत ही आरामदायक और सुरक्षित होती है, लेकिन अगर आप इसका पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आपकी कोई छोटी मोटी गलती के कारण आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है, तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे 13 कमाल के फैक्ट्स और कुछ सेफ्टी टिप्स। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं नंबर 13 से। अभी इस धरती पर कुछ 195 देश कंट्रीज है, उसमें सभी देश के जो नेशनल फ्लैग है उसका आकार स्क्वायर या रेक्टेंगल है, लेकिन नेपाल अकेला ऐसा देश है जिसका नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय ध्वज जो है वह इस आकार में है, ध्वजा जैसे आकार में। नंबर 12, सभी जानवरों में जिराफ एक ऐसा जानवर है जिसके लिए सिर्फ 2 घंटे की नींद पर्याप्त है, बहुत होती है। और उसके बाद आता है हाथी, एलिफेंट। हाथी की साइज़ ज़्यादा होती है, इसका मतलब यह नहीं कि उसको खाना पीना ज़्यादा चाहिए, वैसे नींद भी ज़्यादा चाहिए। उसके लिए सिर्फ 3 या 4 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, बहुत होती है। नंबर 11, स्नीकर्स जो होते हैं उसका यह नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि उसके जो रबर के सोल्स होते हैं तलवे, वह आवाज़ नहीं करते थे, इसलिए उसका नाम स्नीकर्स रखा गया। नंबर 10, इस पूरी धरती पर जितने भी खाने लायक जो चीज़ें होती है वह कभी ना कभी ख़राब हो जाती है, लेकिन हनी शहद जो होता है वह कभी भी ख़राब नहीं होता है कई सालों तक। नंबर 9, एक इंसान के अंदर जन्म के वक्त टोटल 270 हड्डियाँ बोन्स होती है, फिर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वह हड्डियाँ आपस में जुड़कर 206 रह जाती है। इसमें जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह आपके ईयर कान की हड्डी होती है जिसे स्नैप्स कहते हैं। नंबर 8, एक स्टडी के हिसाब से जैसे सभी इंसानों की जो फिंगरप्रिंट होती है वह अलग अलग होती है, वैसे ही जो आपकी टंग जीभ होती है उसकी भी जो प्रिंट होती है वह सबकी अलग अलग होती है। उसमें यह देखा जाता है कि जीभ कितनी लंबी छोटी मोटी पतली लकीरें झुरियाँ और निशान है, लेकिन यह फिंगरप्रिंट जितना उपयोग में नहीं आती है। नंबर 7, एक लायन जो होता है शेर, जब वह दहाड़ता है तो उसके दहाड़ने की आवाज़ जो है वह आपको 8 किलोमीटर तक की दूरी तक भी सुनाई दे सकती है। यह मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था तब देखा था मैंने, ये देखिए पहले कैसे लिखा जाता था और उसके बाद कैसे लिखा जाता था और अभी कैसे लिखा जाता है, अभी तो सिर्फ इमोजीज भेजते हैं और सारी बातें हो जाती है। नंबर 5, एक महिला की जो हार्ट बीट दिल की धड़कन होती है वह एक पुरुष से ज़्यादा तेज होती है, फास्ट होती है, क्योंकि साइज़ के हिसाब से महिला का दिल पुरुष से थोड़ा छोटा होता है, तो उतने ही खून को पंप करने के लिए वह थोड़ा तेज़ी से धड़कता है पुरुष के मुकाबले। नंबर 4, एक इंसान के शरीर में जो 2 फेफड़े लंग्स होते हैं उन दोनों की साइज़ 1 नहीं होती, जो लेफ्ट बायां फेफड़ा होता है वह राइट दाहिने से थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड आपके हार्ट दिल की भी जगह होती है। नंबर 3, एक इंसान के स्टमक पेट में एक एसिड पाया जाता है जिसे गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। उस एसिड में इतना पावर क्षमता होती है कि वह एक रेजर ब्लेड को भी पिघला सकता। नंबर 2, एक पामर नाम के शोधकर्ता ने दुनिया भर में जाकर लोगों को एक कॉफ़ी कप ड्रॉ करने के लिए बोला, तो मोस्टली सभी लोगों ने उसे इस तरह से ड्रॉ किया, किसी ने भी कॉफ़ी कप को इस तरह से ड्रॉ नहीं किया। अगर हम कॉफ़ी कप को ऊपर से देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। नंबर 1, एस्केलेटर। वैसे यह टेक्नोलॉजी बहुत आरामदायक और सुरक्षित है, लेकिन आपकी कुछ छोटी मोटी गलतियों के कारण कभी कोई हादसा भी हो सकता है, तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे एस्केलेटर पर चढ़ने से पहले सीढ़ी को ध्यान से देखकर उस पर कदम रखें। अगर आपने कोई चश्मा पहना है तो ध्यान रखें। अगर आपके साथ कोई बच्चा है तो उसे मजबूती से पकड़े, क्योंकि बच्चे तो बदमाशी करते हैं तो उसकी वजह से फिर आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। इस पर व्हीलचेयर इलेक्ट्रिक स्कूटर जैसे सामान ना ले जाए। एस्केलेटर पर चढ़ने के बाद अगर आपने कोई ढीले कपड़े पहने हैं
तो उसे सीढ़ी के साइड के भाग में न छूने दें, वहाँ पर आपका पहना हुआ कपड़ा फंस सकता है। साइड में जो रेलिंग होती है उसे मजबूती से पकड़ कर रख सकते हैं। बच्चों को रेलिंग पर न चढ़ने दें, ना ही सवारी करने दें। एस्केलेटर से बाहर निकलते समय ज़्यादा सोचे नहीं और तुरंत कदम बढ़ाएं। एस्केलेटर के अंत में अपने पैरों को फिसलने ना दें। जब एस्केलेटर से उतरने का टाइम आए तो बातों में ध्यान ना दें और न ही इधर उधर देखें। आपके पीछे भी कई लोग होंगे, उनका ध्यान रखेगा, आपकी वजह से उनको भी परेशानी हो सकती है। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही बहुत सारी जानकारी भरी वीडियो के साथ। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके पास में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर क्लिक करें, ताकि हमारे सभी वीडियो की सूचना आपको ऐसे ही मिलती रहे। फिर मिलेंगे ऐसी कमाल की वीडियो के साथ।